तो चलिए अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। देशभर में आज 71वें गणतंत्र दिवस की धूम है। दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। परेड के दौरान 16 राज्यों की झांकियां शामिल हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के 48 साल पुरानी परंपरा तोड़ते हुए नई परंपरा का आगाज कर दिया। उन्होंने युद्धवीरों की शहादत को सलाम करने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति नहीं गए, बल्कि बगल में ही नवनिर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के पहले CDS बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह मौजूद रहे। 71वां गणतंत्र दिवस के मौके पर लद्दाख में -20 डिग्री के तापमान में ITBP के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। बर्फ की चादर के बीच ITBP के हिम्मत वीरों ने भारत माता के जय के नारे लगाए। बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में BJP मुख्यालय पर 71वां गणतंत्र दिवस मनाया। उन्होंने तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू ने ध्वजारोहण किया, साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। सुबह विजय चौक पर जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। गणतंत्र दिवस के चलते देश भर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह स्थल के आसपास दिल्ली सेंट्रल और राजपथ के आसपास मल्टीलेयर सुरक्षा का घेरा बनाया गया। दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 8 किलोमीटर लंबे परेड रूट पर नजर रखने के लिए शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स ऊंची इमारतों पर तैनात रहेंगे। परेड रूट पर 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए। परेड रूट पर दिल्ली पुलिस ने 5,000 जवान, अर्धसैनिक बलों की करीब 50 कंपनियां और NSG की SWAT टीम भी सुरक्षा में तैनात की जाएगी। निगरानी बनाए रखने के लिए 10 मोबाइल पुलिस कंट्रोल रूम और 10 CCTV कंट्रोल रूम बनाए गए। असम के 2 जिलों डिब्रूगढ़ और चराईदेव में ग्रेनेड के जरिए 4 बड़े धमाके किए गए। मौके पर पहुंचे असम के DGP भास्कर ज्योति मेहता ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। राज्य में 3 धमाके डिब्रूगढ़ जिले में तो 1 धमाका चराईदेव में किया गया। हालांकि अभी तक इन धमाकों में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। डिब्रूगढ़ में 3 धमाके हुए, जिसमें 1 धमाका ग्राम बाजार के नेशनल हाईवे 37 के पास एक दुकान में हुआ। इसके अलावा एक गुरुद्वारे के पास धमाका हुआ। डिब्रूगढ़ में 3rd धमाका दुलियाना जान के टाउन हॉल में हुआ। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोले गए हैं और सामान्य सेवाएं जारी है। बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर मेट्रो सेवाएं बाधित कर दी गई थी। अलीगढ़ पुलिस ने JNU के छात्र नेता शर्जील हमाम के विवादित वीडियो वायरल होने के बाद शर्जील इमाम की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें दिल्ली रवाना कर दी। सोशल मीडिया में विवादित वीडियो में शर्जील इमाम हिंदुस्तान से असम को अलग करने और भड़काऊ भाषण देते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ आकाश कुलारी का कहना है कि शर्जील फिलहाल अंडरग्राउंड हो गया है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जगराव में लुधियाना प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन मलकीत सिंह दाखा, पंजाब पेप्सो रोडवेज के डायरेक्टर पुरुषोत्तम लाल खलीफा और मानसा जिले के चेयरमैन प्रेम मित्तल को कई व्यापारी एसोसिएशन ने सम्मानित किया। मुक्सर के मलोट के पुराने सिनेमा घर में छत का काम कर रहे 4 मजदूर ऊपर से एक बल्ली टूटने से नीचे गिर गए। इस हादसे में 1 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर की हालत काफी गंभीर है। लुधियाना में कुछ युवकों ने सिद्धू मूसेवाला के गाने को लेकर हथियारों के साथ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और इसे वायरल करने के लिए आपराधिक रास्ता भी चुना। लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए देश भर में तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं और देश के हर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। टोहाना के वार्ड 6 में पानी की कमी को लेकर लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 6 दिनों से पानी नहीं आ रहा, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि पीने के पानी को लेकर लगातार शिकायतें की जा चुकी हैं। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि इस कार्य में कुछ लोग राजनीतिक दखल देकर अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं। होशियारपुर में सड़क पर चल रहे गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गुड़ बनाने वाले फैक्ट्री मालिक को नोटिस भेजा है। अकाली दल से नाराज चल रहे सुखदेव सिंह ढींडसा ने मोगा के गुरुद्वारा तंबूमाल साहिब में पार्टी वर्करों के साथ बैठक की, जिसमें अकाली दल से नाराज चल रहे सुखदेव सिंह ढींडसा के समर्थकों ने भाग लिया।